क्या तुम उस मौत की वादी के बारे में कुछ जानती हो? मैं बहुत कुछ जानती हूँ और तुम्हें वहां पहुंचा भी सकती हूँ। तुम क्या चीज हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब कोई सवाल मत करो, धीरे धीरे सब जान जाओगे। आओ, सब कुछ भुलाकर मेरी बाहों में समा जाओ। नहीं, तुम्हें गैर औरत हो, तुम्हें हाथ लगाना भी गुनाह है। गैर औरत तो वो होती है जो किसी और की हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी, और तुम मेरे हो, मेरे। छोड़ो मुझे, दूर हटो मुझे, हटो। गुलनार, क्या हुआ गुलनार? गुलनार क्या बात है? गुलनार, गुलनार, अरे गुलनार, 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 मेरी बात सुनो। गुलनार, 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 कहाँ हो तुम? गुलनार, thank you.
नहीं, डरो नहीं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ। तुम कौन हो? मेरा नाम सिंधबाद। चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ, नहीं तो वो तुम्हारा खून पी जाएगी। वो चुड़ैल है, डायन है, काले जादू की माहिर है वो। कौन? वही जिसका नाम गुलनार है। वो हर बार किसी न किसी आदमी को फांसती है, उसके साथ प्यार जताती है, रात गुजारती है और सुबह होते ही उसका खून पी जाती है। क्या? हाँ, वो लोगों का खून पीकर सदा जवान रहना चाहती है, और जिस रोज उसे ताजा खून नहीं मिलता वो पागल हो जाती है। जाओ, उसे हर जगह तलाश करो, वो जहाँ भी है उसे ले आओ, वरना मैं तुम सबको जलाकर राख कर दूंगी। जाओ, सूरज की पहली किरण के साथ मुझे उसका खून चाहिए। जल्दी जाओ, सुबह होने वाली है। जाओ। मैं एक परी हूँ, मेरा नाम मारुख है। गुलनार भी मेरी तरह एक परी थी। मैं काला जादू जानती हूँ, मगर काला जादू एक बुरी चीज है। इससे लोगों को नुकसान पहुंचता है, इसलिए मैंने काले जादू से कभी काम नहीं लिया। मगर गुलनार को काले जादू का शौक था, और इसीलिए मैंने उसे भी काला जादू सिखा दिया। मगर कसम ले ली कि वो उस काले जादू से कभी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अच्छा, तो गुलनार काले जादू की माहिर है। हाँ, काला जादू सीखकर उसने इंसानों का खून पीना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसके जादू में और भी ज्यादा ताकत आ गई। और जब मैंने उसे मना किया, उसे रोकने की कोशिश की, तो उसने मुझे यहाँ कैद कर दिया। अब तुम जिंदगी भर यहाँ सड़ती रहोगी, और तुम हर रोज एक आदमी का ताजा खून पीकर बेगुनाहों पर जुल्म करती रहोगी। हाँ, मैं वही करूँगी। मैंने गलती की जो तुम्हें काला जादू सिखाया, और दूसरी गलती ये की कि तुमने इंसानों का खून नहीं पिया, वरना तुम्हारे जादू में भी वही ताकत होती जो मेरे जादू में है। मगर मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी, बेगुनाहों को बचाऊंगी मैं तुम्हारे जुल्म से। बचाओगी? जब यहाँ से बाहर निकलोगी तब बचाओगी ना। मैं तुम्हें बाहर निकल के बताऊंगी। तुम यहाँ से नहीं निकल सकोगी, क्योंकि जादू का ये सांप तुम पर पहरा देता रहेगा और तुमको डसता रहेगा, और जिसके जहर से तुम मरोगी तो नहीं, मगर हमेशा बेहोश रहोगी। सुबह होने वाली है, अब यहाँ से निकल चलो। गुलनार और उसके आदमी हमारी हर जगह तलाश कर रहे होंगे। अगर गुलनार का ध्यान तहखाने की तरफ चला गया तो वो फौरन यहाँ पहुंच जाएगी। मगर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? यह एक चोर दरवाजा है जो जंगल में निकलता है। अगर हम जंगल के उस पार निकल गए तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि गुलनार की ताकत और उसके जादू की हद सिर्फ उस जंगल तक है। तो फिर चलो। चलो। चालाक लड़की सिंधबाद को भी अपने साथ ले गई। चलो चलो, चलो।
अगर वो लोग जंगल के उस पार तक पहुंच गए तो हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मगर इतने बड़े जंगल में हम उन्हें कहां तलाश करेंगे? वो चालाक लोमड़ी मेरे शिकार को लेकर ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। मैं उन्हें घेर कर मारूंगी, खून पी जाऊंगी उनका। शंख लाओ। निकल चुके हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मारुक, तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। नेक इंसान पर कभी कोई आंच नहीं आती, और फिर तुमने भी तो अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। मैंने कोई एहसान नहीं किया, जो कुछ होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है। मगर अब हम जाएंगे कहाँ? तुम्हें तो मौत की वादी तक जाना है, और मैं आज बरसों बाद अपने मुल्क परिस्तान जाऊंगी। अच्छा ये तो बताओ, मैं उस मौत की वादी तक पहुंचूंगा कैसे? यहाँ से 2 कोस के फासले पर एक किला है। उस किले के बाहर जंगल में तुम्हें एक पिंजरा नजर आएगा। एक बदनसीब शहजादा उस पिंजरे में कैद है। वो उस मौत की वादी के बारे में बहुत कुछ जानता है, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। उस शहजादे को किसने कैद किया और क्यों कैद किया? ये सारी कहानी वही तुम्हें सुनाएगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जब भी मेरी जरूरत हो मुझे याद कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। अरे कोई मुझे यहां से निकालो, बचाओ बचाओ।
अरे है कोई खुदा का बंदा, कोई है, कोई है, कोई है तो मुझे यहाँ से निकालो, बचाओ बचाओ, कोई है, कोई है, कोई है। ए पालने वाले, मुझे ये बता कि मुझे किस गुनाह की ये सजा दी जा रही है। मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मुझे किस बात की, किस जुर्म की सजा दी जा रही है। या खुदा, या तो मुझे इस कैद से छुटकारा दिला दे, या फिर मुझे मौत दे दे, मौत दे दे, मौत दे दे, मुझे मौत दे दे। क्या क्या मोहब्बत करना इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा गुनाह है जिसकी ये सजा मुझे मिली है। भेज भेज, अपने किसी नेक बंदे को भेज जो मेरी मदद करे, जो मेरी मदद करे, मेरी मदद करे। या खुदा, मेरे साथ साथ मेरी गजाला को किस बात की सजा मिल रही है। अरे वो तो एक मासूम और नेक लड़की है। गजाला, मेरी अजीज गजाला, खुदा जानता है तुम्हारा ये सुल्तान बख्त मजबूर है। उस चालाक और मक्कार देव के सामने मेरी एक नहीं चलती। वो अपने जादू से मेरे हर वार का तोड़ निकाल लेता है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं खुदाया, मैं क्या करूं। घबराओ मत मेरे दोस्त, घबराओ मत, मैं आ गया हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम कौन हो? मेरा नाम सिंधबाद है, सिंधबाद जहाजी। लेकिन तुम इस वीराने में कहां आ निकले? यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले अपनी सुनो। मुझे ये बताओ कि तुम पर कौन सी मुसीबत पड़ी है, किसने तुम्हें यहां कैद किया है? अब मगर ठहरो, पहले मैं तुम्हें इस पिंजरे से आजाद कर दूं। नहीं, इसे मत छूना, इसे मत छूना, वरना। वरना क्या? वरना ये पिंजरा एक दहकता हुआ अलाव बन जाएगा और मैं इसमें जलकर राख हो जाऊंगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि एक जादू का पिंजरा है, इसमें एक ऐसा असर है कि जो कोई भी मेरे अलावा इसे हाथ लगाएगा वो खुद भी जल जाएगा और मैं भी जल जाऊंगा। तो फिर तुम्हें यहां से रिहाई किस तरह मिलेगी? जिस दिन वो देव मारा जाएगा उसका जादू भी खत्म हो जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगा। हाँ। और मेरे साथ साथ मेरी गजाला भी आजाद हो जाएगी। गजाला कौन? मेरी महबूबा, मेरी जिंदगी, मेरी होने वाली बीवी। मगर अब शायद कभी न मिल सकेंगे, कभी एक दूसरे को देख न सकेंगे। तुम्हारी गजाला इस वक्त कहां है? इस वक्त वो उसी जालिम की कैद में है।